हाय गाइस, मेरा नाम कुणाल बैनर्जी है और मैं एक सेल्फ टॉट कैलिस्थेनिक एथलीट हूं और मैं चाहता हूं कि आज मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले तो ये है कि कैलिस्थेनिक क्या है। कैलिस्थेनिक एक ऐसी आर्ट है जो आप अपने बॉडी वेट से आप अपना वर्कआउट करते हैं। तो बॉडी वेट से करने का मतलब ये है कि उसके बीच में आप अपना बॉडी स्ट्रेंथ को भी यूज़ करते हैं, माइंड स्ट्रेंथ जो आपका स्ट्रेंथ है उसको भी यूज़ करते हैं, और सबसे बड़ी बात है आप मल्टीपल मसल को यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सरसाइजेस कैसे होती हैं। मैं आपको एक बिगनर्स का एक छोटा सा आज से रूटीन चालू कर रहा हूँ, देखिए कि कैसे इस चीज़ को हम लोग बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक पुशअप से, जो बिल्कुल नेचुरल बेसिक पुशअप से उनसे स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, अगर आप रेगुलर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और अगर आप ऊपर लेग रख के नहीं कर सकते तो आप अपने नीज नीचे रख के भी इसमें पुशअप्स कर सकते हैं, या अगर आपको ईजी है तो आप जो नॉर्मल जो पोजीशन होता है उसमें भी पुशअप कर सकते हैं। दूसरा, आपका एल्बो, जो हम बहुत बेसिक गलती करते हैं, हमारा एल्बो हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगा, जितना हो सकेगा हम उसको अंदर ही रखेंगे। तो इसका मैं आपको वेरिएशन बता देता हूँ दोनों का। अगर आप नी नीचे रख के करेंगे तो इसका वेरिएशन ये होगा, और जब आपको इसमें आप कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर आप इस पुशअप पे जा सकते हैं। तो गाइज, हमारा सेकंड जो वेरिएशन है वो है पुलअप्स। इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम ओल्ड स्कूल हम लोग वर्कआउट करते थे, मैंने भी बहुत गलती की है ये कि हम लोग को किसी ने सिखाया नहीं था कि जब हम पुलअप्स करते हैं तो हम लोग पहले जब हम लोग करते थे हम लोग ये पैर बेंड कर लेते थे। आज भी मैं देखता हूँ कई लोग ऐसे पैर बेंड करके पुलअप्स करते हैं। ये जो पुलअप्स मैंने अभी किए हैं ये गलत फॉर्म है, ये हमें नहीं करने हैं। और अभी राइट वे कौन सा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पैर सीधे करके फ्रंटल रखने हैं। इससे क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैलिस्थेनिक मल्टीपल मसल पे काम करता है, तो जैसे ही आप अपने पैर पीछे से आगे लेके आते हैं तो ऑटोमेटिक आपका कोर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो आप अपनी बैक के साथ अपने कोर पे भी वर्क कर रहे हैं। तो ये बेसिक तरीका है पुलअप्स का। तो गाइज, अब बात करते हैं वर्कआउट की, डिप्स की। तो ये हमारा पोजीशन होगा डिप्स का, और सेम गलती हम लोग नहीं करेंगे कि हम लोग पैर पीछे रहेंगे, इसमें भी हम पैर फ्रंटल रखेंगे ताकि हमारा कोर इसमें भी इन्वॉल्व रहे। गाइस, ये वाला था थोड़ा सा टफ पोजीशन है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा अगर टफनेस लग रही है, आप नहीं कर पाते हैं, तो इसमें एक ईजी भी है। उसमें हमें क्या है, लेंथ जो आपकी थोड़ा सा डिप्थ है वो कम कर देनी है, और आप किसी बेड पर भी कर सकते हैं, चेयर पर कर सकते हैं, किसी स्टूल पे कर सकते हैं। तो ये इसका इजी फॉर्म है, तो इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट है एक हमारे पुशअप्स हैं, लेकिन वो शोल्डर पुशअप्स हैं। कैलिस्थेनिक में आपके आर्म्स मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके आर्म्स बहुत लोड लेते हैं, पूरा बॉडी का लोड आता है, तो इसलिए शोल्डर्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये जो पुशअप्स हैं ये आपके शोल्डर्स के लिए, और बहुत अच्छे पुशअप्स हैं, इसको भी आपको रेगुलर ट्राई करने हैं। गाइज, हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है स्क्वाट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पूरा एनर्जी जनरेट होता है हमारे लेग से। तो उससे हमारे जो नीज हैं वो कभी भी बाहर नहीं जाएंगे, तो उससे हमारे नीज बाहर नहीं जाने चाहिए, ये हमारे टोज के अंदर ही रहने चाहिए। ये होते हैं हमारे नॉर्मल स्क्वाट्स। तो उसके बाद हम लोग जंप स्क्वाट्स करेंगे। जंप स्क्वाट्स कैसे होते हैं, तो ये वेरिएशन दो स्क्वाट्स के लिए हम लोग को करने हैं। हमारा एक जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो है कोर के लिए, लेग रेजिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है कैलिस्थेनिक का। मैंने जैसे आपको बताया बेस कोर है, आपके बहुत सारे वर्कआउट हैं जो इससे इन्वॉल्व हैं, तो इसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग कोर होना बहुत ज़रूरी है, लाइक दिस। तो ये कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा मेन हब है, तो इसको हमें स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन वेरिएशंस हैं कोर के लिए, एक लेग रेजेज है, एक चेयर सिट है, और एक हाफ रेजेज है। तो आप जो भी आपको कंफर्टेबल, आप उससे स्टार्ट करके आप लेग रेजेज तक जा सकते हैं। सो गाइस, ये था आज का हमारा पहला वीडियो जो हमारा कैलिस्थेनिक बिगनर्स वर्कआउट था। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आपको पसंद आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको कोई क्वेरीज है आप वो भी पूछ सकते हैं।
आप देख रहे हैं आस्कमेन इंडिया और मेरा नाम है कुणाल बैनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।